एक तरफ उत्तर भारत के राज्यों में अब दिन रात के तापमान में फर्क देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला और पहाड़ों पर बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि जनवरी और फरवरी में इस बार सर्दी ज्यादा पड़ सकती है। तो चलिए जानते हैं आज के मौसम का हाल। शुरू करते हैं दिल्ली से। मंगलवार की सुबह दिल्ली NCR के लोगों को ठंड महसूस हुई और अधिकतम से न्यूनतम तापमान दोनों ही तरह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कई जगहों पर हल्की धूप भी देखने को मिली, लेकिन ठंडक का एहसास दिन भर बना रहा, जिसके चलते बुजुर्गों और बच्चों ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। आज मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब बात करते हैं झारखंड के बारे में। मंगलवार को राजधानी रांची में सुबह से धूप खिली है, तो दूसरी तरफ शहर के बाहरी भागों में हल्के दर्जे का कोहरा देखने को मिला है। तो वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 5 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। अनुमान यह भी है कि दीपावली के आसपास ठंड बढ़ जाएगी। आज मंगलवार को झारखंड का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो चलिए जानते हैं अगले 24 घंटों में किन किन राज्यों में बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने केरल के 4 जिलों में आज यानी 26 अक्टूबर को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार तमिलनाडु और पुडुचेरी के विभिन्न हिस्सों में 29 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना है। वहीं केरल और कर्नाटक में आज और कल यानी 27 अक्टूबर को भी भारी बारिश की संभावना है। साथ ही आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में 28 और 29 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।